हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको बताया, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल मई 22 का रिजल्ट आ चुका है। इसके साथ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही कि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट ओपन ही नहीं हो रहा है ड्यू टू विद हेल्प। आपका रिजल्ट को आईसीएआई ने रोक लिया है। क्यों रोका है मैं इसका कारण बताऊंगा, और आप इसको रिजल्ट को कैसे अपन ओपन कर सकते हैं आईसीएआई से रिक्वेस्ट करके, सब चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीए स्टूडेंट हो और आपका रिजल्ट विद हेल्ड हो गया है तो आप वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों का शेयर भी करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हाँ जी, आपका रिजल्ट विद हेल्ड हो गया है, इसके मैं सारे कारण बताऊंगा। आईसीएआई ने एक अनाउंसमेंट निकाली थी 14 मार्च 2018 को। आईसीएआई ने इसमें क्लियर बताया था कि अनफेयर एक्टिविटीज़ क्या होती है, अगर आप अनफेयर एक्टिविटीज़ करते पाए गए तो आपका रिजल्ट विद हेल्ड होने वाला है। अब मैं बताता हूँ, मैं एक एक बताता हूँ आपको। अगर आपने जहाँ पे रोल नंबर लिखना चाहिए अपने क्वेश्चन पेपर पर उस जगह भी लिखा, इसके अलावा कोई दूसरे पेपर पर भी लिखा, फर्स्ट पेज पे लिखते हैं अपन रोल नंबर, उसके अलावा अपने 2, 3, 4, 5 किसी पेज पर लिख दिया, वो अनफेयर एक्टिविटीज में आता है। ऐसे ही आंसर शीट में जहाँ पे आपको स्पेस दिया गया रोल नंबर लिखने का, उसके अलावा आपने दूसरी जगह लिख दिया अपना मोबाइल नंबर, CRO लिख दिया, NRO, कुछ भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, ये सारे लिख दिए, या फिर कोई स्पेशल सिंबल बना दिया जैसे ओम का 786, ये कुछ भी बना दिया आपने, ये सारी एक्टिविटीज़ अनफेयर एक्टिविटीज़ आती है, ठीक है। इसके बाद आपने ये लिखा कि सर प्लीज़ पास में एस प्लीज 14 मार्क्स। अब पास तो छोड़ो, आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है, आप फेल भी नहीं होने वाले, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अनफेयर एक्टिविटीज़ में एक और एक्टिविटीज़ आती है। मान लीजिए कोई रिलीजन साइन बना दिया आपने, ये सारी एक्टिविटीज़ अनफेयर एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। अब अनफेयर एक्टिविटीज़ होने के बाद आपका रिजल्ट विदहेल्ड होने जाने वाला है। इसको आप कैसे पता लगाओगे कि आपका रिजल्ट विदहेल्ड हो गया है? जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आईसीएआई आपको एक मेल करेगा कि आपका रिजल्ट विदहेल्ड हो गया है, और इनके रीज़न ये है, आपको क्लेरिफिकेशन देनी है, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, आपको अपनी गलती मान लेनी है, सॉरी बोल देना है, और रीज़न लिखना है कि क्यों आपने ऐसा किया था, और लिखना है कि आगे से ऐसा नहीं होने वाला। अगर आईसीएआई संतुष्ट हो जाती है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं तो नियरस्ट ब्रांच में आईसीएआई के मेंबर्स को आपको फेस करना होगा, और आपके हाथ पैर फूल जाने वाले हैं। वहाँ पर आपको फेस करना होगा, पूरा कारण बताना पड़ेगा, आप अकेले हो, सामने 4-5 आईसीएआई के मेंबर हैं, वो आपसे पूछने वाले बैक टू बैक सवाल। तो आप मेरे को, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करो ही मत। तो हो गई आपसे एक्टिविटीज़ तो आप क्लियर कट सॉरी बोलो, और बोलो कि हमसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आईसीएआई अगर संतुष्ट हो जाती है तो आईसीएआई आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है, नहीं तो इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है आपका रिजल्ट वापस लाने का। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।